नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में। और इस सवाल का सही जवाब दिया है सरिता मिश्रा, वनराज राज और परमिंदर कुमार, इन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है। पहला सवाल है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने की कोशिश जरूर करा करिए। सवाल बहुत ही आसान पूछे जाते हैं और कई बार पहले पूछे जा चुके होते हैं। सही जवाब है नील नदी। सवाल नंबर दो, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर तीन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब 2015 में। सवाल नंबर चार, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब रहेगा 12 अगस्त को। सवाल नंबर पांच, भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है। सही जवाब रहेगा ओडिशा। सवाल नंबर छह, परमाणु की खोज किसने की थी। सही जवाब है रदरफोर्ड ने। सवाल नंबर सात, नील आंदोलन कहाँ हुआ था। सही जवाब है बंगाल में। सवाल नंबर आठ, सबसे ज्यादा पुलिस किस देश में है। सही जवाब रहेगा अमेरिका में। सवाल नंबर नौ, गुलाबों का शहर किसे कहते हैं। सही जवाब चंडीगढ़ को। सवाल नंबर दस, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सही जवाब ब्राजील। सवाल नंबर 11, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। सही जवाब 8 ग्राम। सवाल नंबर 12, शरीर का सबसे गर्म अंग कौन सा है। सही जवाब जाएगा दिल। सवाल नंबर 13, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। सही जवाब 1921 में। सवाल नंबर 14, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। सही जवाब जाएगा झींगा मछली उत्पादन से। सवाल नंबर 15, पानी से भी सस्ता पेट्रोल कहाँ है। सही जवाब कुवैत। सवाल नंबर 16, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किस देश में हुआ था। सही जवाब नीदरलैंड में। सवाल में सत्रह, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। सही जवाब रहेगा बारहसिंघा। सवाल नंबर 18, कूलर को हिंदी में क्या कहते हैं। सही जवाब रहेगा शीतल यंत्र। सवाल नंबर 19, प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। सही जवाब जाएगा भारत में।
सवाल में 20 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब लेगा 1906 में। सवाल 21 दीवाने खास कहाँ स्थित हैं? सवाल 22 ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही है भारत। सवाल 23 उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही है नई दिल्ली। सवाल 24 मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब मृदा विज्ञान। सवाल 25 रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सही जवाब तुलसीदास ने। सवाल 26 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सवाल 27 इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है पेरिस में। सवाल 28 किस देश में बिल्लियों की पूजा की जाती है? सही जवाब जगह इजिप्ट में। सवाल 29 सबसे पहले नोटबंदी कहाँ हुई थी? सही जवाब जगह घाना में। सवाल 30 भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? सही जवाब का महाराष्ट्र। सवाल 31 गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? सही जवाब जगह लाल रंग। सवाल 32 इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब देगा अकबर ने। सवाल 33 भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम है? सही जवाब देगा सिक्किम राज्य में। सवाल 34 सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? सही जवाब है हरियाणा में। सवाल 35 विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? सही जवाब है भूटान। सवाल 36 किस जीव के पैर नहीं होते हैं? सही जवाब सांप। सवाल 37 नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही जवाब का उन्नाव में। सवाल 38 सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सही जवाब है जापान को। विश्व का सबसे महंगा जानवर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा रेस का घोड़ा।
सवाल नंबर दो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर तीन, सबसे ज्यादा इंट प्रयोग कौन सा देश करता है? सही जवाब रहेगा चीन देश। सवाल नंबर चार, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सही जवाब रहेगा गुजरात। सवाल नंबर पाँच, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा न्यूयॉर्क। सवाल नंबर छः, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सही जवाब शुक्र ग्रह। सवाल नंबर सात, कनाडा की संसद का क्या नाम है? सही जवाब रहेगा पार्लियामेंट। सवाल नंबर आठ, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब 52 सेकेंड। सवाल नंबर नौ, कौन सा जीव जन्म से ही अनाथ होता है? सही जवाब है बिच्छू। सवाल नंबर दस, किस देश में सबसे ज्यादा हीरा है? सही जवाब है रूस। सवाल नंबर ग्यारह, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है शाहजहां ने। सवाल नंबर 12, सबसे पौष्टिक फल कौन सा है? सही जवाब नाशपाती। सवाल नंबर 13, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? सही जवाब बंकिम चंद चटर्जी ने। सवाल नंबर 14, भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब हिमालय। सवाल नंबर 15, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? सही जवाब कोलकाता। सवाल नंबर 16, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? सही जवाब दयानंद सरस्वती जी ने। सवाल नंबर 17, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब देगा अफ्रीका महाद्वीप में। सवाल नंबर 18, मुगल काल की भाषा क्या थी? सही जवाब फारसी भाषा। सवाल नंबर 19, रजत क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब अंडा उत्पादन से। सवाल नंबर 20, नालंदा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब जगह बिहार राज्य में। सवाल नंबर 21, काला सोना किसे कहते हैं? सही अफीम।
सवाल नंबर 22, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही जवाब जगह गुजरात राज्य में। सवाल नंबर 23, पंचायती राज की सूची का विषय है? सही जवाब जगह राज्य सूची। सवाल नंबर 24, अशोकाराम विहार कहाँ है? सही जगह पाटलिपुत्र में। सवाल नंबर 25, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? सही जवाब का माउंट आबू को। सवाल नंबर 26, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है? सही जवाब का अंटार्कटिका में। सवाल नंबर 27, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? सही जवाब कन्नौज को। सवाल 28, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? सही जवाब 1930 में। सवाल 29, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? सही जवाब मुंबई को। सवाल 30, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। सवाल 31, बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं? सही जवाब जाएगा इग्लू। सवाल नंबर 32, किस देश में एक भी गाय नहीं है? सही जवाब जाएगा सीरिया। सवाल नंबर 33, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा 14 जून को। सवाल नंबर 34, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सही जवाब हृदय। सवाल नंबर 35, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? सही जवाब बैरोमीटर। सवाल नंबर 36, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? सही जवाब है कादम्बिनी गांगुली। सवाल नंबर 37, किस देश के लोग सांड से लड़ते हैं? सही जवाब है स्पेन के लोग। सवाल नंबर 38, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही है बांग्लादेश। अगला सवाल है, भारत कब आजाद हुआ था? इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो भी सही आप देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। अगले सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे इंसान साल में एक बार खरीदता और पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसे सवाल सिर्फ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जाते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को भी आप लोग एंजॉय करा करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसका सही जवाब दीजिएगा कैलेंडर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।